ममून की आधुनिक विहार में श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन अकाली दल मंडल प्रधान पवन कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशेष रूप से श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांची उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता और बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान धर्मपाल भगत शामिल हुए, जिन्होंने इस मौके पर लोगों के साथ उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उन्हें वोट की अपील भी की। बहुत वड्डा हनूरा जिहड़ा अधरंग बिहार कलोनी, जिन्हां लोकां हमेशा ही ठगिया जांदा वोटां वेले, वोटां लैके दोबारा नहीं लभना, अज मेरी भैन जीवन ज्योति नरेश जी और समूहिक कलोनी वासियां अपने महल्ले विच मीटिंग रखी और मैनूं बुलाया और समूहिक तौर पर मेरिया माता ने, मेरिया भैन ने, मेरे नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों ने, सारे परिवारों ने, घट्टो घट 60 परिवारों ने श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। मैं ना सारिया का श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच स्वागतम करना और बहुत बहुत धन्यवाद करना। मेरे नाल मेरे जिला दे बहुजन समाज पार्टी के जिला के प्रधान धर्मपाल भगत जी, इस्त्री विंग के उपाध्यक्ष जिले के रूपा भैन जी, साडे पंजाब के जोगिंदर कौर जी, पवन जी एससी मोर्चे के मंडल के प्रधान, मनोहर लाल जी, बोधराज जी, दीपक शर्मा जी, बिक्रम जी, सारे ही समूहिक तौर पर अज श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतने आए। बहुत प्यार मिले इस कलोनी चो, बहुत सत्कार मिले और सारे कलोनी वासियां मैं वादा किया कि एक एक वोट श्रोमणी अकाली दल बादल नूं और बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार जाने के मैनू पाणगे। मैं तां रहिणी आ, पर पहल दे आधार ते जिहड़ियां भी इहनां दीआं तकलीफां होणगीआं, जिहड़ियां भी इहनां दीआं प्रॉब्लमां होणगीआं, पहल दे आधार ते उप्पर हल करावांगा। इत्थों दा एक एक परिवार है जिहड़ा मेरा साथी है, कई मेरिया भैन सियामपुर दी इत्थे ब्याह दीआं, कोई मेरिया माता इत्थों दे सियामपुर दीआं ना, मैं सारे इस कलोनी दे वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने चट्टान की तरह मेरे नाल साथ देने का मेरा वादा किया। इन्हां शब्दों नाल ही इन्हां मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना। अज आधुनिक बिहार कलोनी च श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तो असीं कहने हैं, लेकिन अज मैं वादा करना कि सब कुछ नज़र आ रहा है, ये साढ़े जिते हुए विधायक ने श्री राजकुमार गुप्ता जी, ये जिते हुए विधायक ने और इस करके आधुनिक बिहार चे को आए ने ताकि जेडे पिछले 15 साल तो एक लगातार कंटिन्यू MLA बनता है और अपने एरिए दे विच किसी एक पर्टिकुलर जगह दे विच भी आ के वो उन्हां दी कोई दी खबर नहीं लै सकता, तो ऐसे तुसीं विधायकों नूं चुनदा तुहानूं कोई फायदा नहीं। राजकुमार गुप्ता जी कैसे इंसान ने जो उन्होंने आंदे ही देख लिया कि इस एरिए दे विच जिन्हें भी इत्थे निवासी ने रह रहे ने वो किस हाल से रह रहे ने। सो इन्हां दा वादा कि ये सारिया दे सारे जिन्हें भी ये अपने हक्कां तो वंचित ने उन्हां नूं उन्हां दे हक भी दित्ते जाणगे और उन्हां दीआं जो भी कोई मंगां होणगीआं वो पूरियां कीतीआं जाणगीआं। और अज इस पंडाल दे विच जिन्ने भी सत्कारयोग इत्थों दे निवासी और मंच ते विराजमान जिन्नियां भी मेरियां भैणां, बीबियां, माता और बजुर्ग जिन्ने भी बैठे ने उन्हां सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां कि उन्होंने अपना कीमती समां कढ के इस मंच नूं इक शिखर तक पहुँचाउण दा काम किया। असीं सारिआं ने पार्टी ज्वाइन की श्रोमणी अकाली दल, अपने भरा नूं जिता के रहांगे बिट्टू प्रधान जी नूं ममून तों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आधुनिक बिहार कलोनी दे विच साडे श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता जी आए, उन्हां दे नाल बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान धर्मपाल जी भगत जी और सीनियर अकाली दल के नेता और पूरी लीडरशिप इत्थे आई। उन्होंने इत्थे आण के अपने विचार रखे, उन्हां दे विचारां नूं सुनदे होए साडी भैण
जीवन ज्योति और उन्होंने हस्बैंड ने अच अकाली श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल का हाथ फड़िया और उन्होंने वादा किया कि असी अपने बूथ चो वध तो वध वोटा दवा के राजकुमार गुप्ता जी नूं जेतू बनावांगे। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।